सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस GTA 5। भाई GTA 5 खेले हुए हमें काफी ज्यादा दिन हो गए थे, क्योंकि भाई हमारे पीसी की जो स्क्रीन है भाई वो टूट गई थी। तो भाई हमने GTA 5 काफी दिनों तक नहीं खेला। सो भाई काफी दिनों के बाद हम आज GTA 5 की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो भाई माइकल दादा घूमने के लिए आए हुए थे और अभी हम वापस घर पर जा रहे हैं और थोड़ा घर पर जाकर रेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई हम एक बहुत बड़ी चोरी प्लान करने वाले हैं। मैं घर को मार कर देता हूँ। तो भाई लेस्टर के साथ मिलकर हमें बहुत बड़ी चोरी है वो प्लान करनी है। सो उसके पहले भाई हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। सो इसलिए भाई अभी हम जा रहे हैं घर पर। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं घर पर और गाड़ी को भाई ले जाकर पार्क करते हैं। भाई कुछ भी कहो, माइकल दादा का घर भाई बहुत ही ज़्यादा आलीशान है। सो भाई हम गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और अब चलते हैं घर के अंदर। सो भाई अभी माइकल दादा घर के अंदर जा रहे हैं। सुबह से शाम का वक्त भाई, एक दिन हमने कंप्लीट घर के अंदर रेस्ट किया। अभी भाई माइकल दादा टीवी देखकर अपना टाइम पास कर रहे हैं और भाई चिप्स खा रहे हैं। पूरा भाई मूवी के शौकीन है माइकल दादा, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं। और ये क्या भाई, जिमी शायद ऊपर वीडियो गेम खेल रहा है। और भाई माइकल दादा जिमी से परेशान हो गए हैं और भाई टीवी की आवाज़ बढ़ा ली है। भाई माइकल दादा फुल गुस्सा हो गए हैं। अभी भाई इसकी खैर नहीं भाई जिमी की, भाई माइकल दादा बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर गए हैं ऊपर। वो तेरे की भाई। Go away. What? You go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. तो भाई माइकल दादा बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि जो जिमी है वो पूरे दिन बैठकर भाई पड़ा पड़ा वीडियो गेम खेलता रहता है। और भाई माइकल दादा ने टीवी भी तोड़ दिया है जिमी का। वो तेरी की भाई, माइकल दादा बहुत ज्यादा गुस्सा है। बोल रहे हैं कि तुम सारा दिन पड़े रहे हो और ये गेम ही खेल रहे हो, खाना खाते रहते हो और यहीं पर पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो। सो अभी माइकल दादा कह रहे हैं कि तुम्हें चलो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे। तो अभी माइकल दादा जिमी की हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं। भाई माइकल दादा को अभी थोड़ा भाई शर्म आ रही है कि भाई उन्होंने गलत किया, उन्हें स्क्रीन वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए थी, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था जिमी के ऊपर। सो अभी माइकल दादा कह रहे हैं कि चलो हम दोनों साथ में कुछ करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम भी हम जाएंगे भाई जिमी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो अभी जाने वाले हैं भाई जिमी और माइकल दादा बाइक राइड के लिए, यानी हम बाइसाइकिल चलाने वाले हैं और भाई बीच के ऊपर हम बाइसाइकिल राइड करेंगे। सो भाई अभी चलते हैं माइकल दादा और भाई जिमी तो हमसे आगे है। सो थोड़ा हम जल्द से जल्द चलते हैं भाई बीच के ऊपर। भाई हमने भाई अब जिमी को भी मनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका टीवी तोड़ दिया माइकल दादा ने। भाई उसने गुस्सा दिलाने वाला काम ही ऐसा किया कि वो सारा दिन गेम खेल रहा था और जिसकी वजह से भाई माइकल दादा टीवी देख रहे थे, वो भी परेशान हो गए थे उसकी आवाज़ सुन सुनकर। सो अभी भाई गाड़ी चलाते हैं। सो जल्द से जल्द पहुँच चुका मैं, काफ़ी फास्ट ड्राइव करने वाला हूँ। सो अभी सीधा मिलते हैं भाई बीच के ऊपर। सो फाइनली गाइस गाड़ी को हम यहीं पे पार्क करते हैं और हम पहुंच चुके हैं बीच के ऊपर। और भाई जिमी कह रहा है कि तुम उस बाईसाइकिल वाले को मारना मत एक साइकिल के लिए। सो भाई हम एक साइकिल बाय करने वाले हैं इसके इससे राइड करने के लिए। ओके सो अभी हमें बाईसाइकिल चूज़ करनी है, तो हम भाई कौन सी बाईसाइकिल पर राइड करें। सो सभी भाई बाइक्स मस्त हैं। सो मैं चुनता हूँ ये ग्रीन वाली, ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी। सो जिमी कह रहा है अगर माइकल दादा से कि अगर माइकल दादा तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरे लिए नए टीवी स्क्रीन खरीद कर लानी होगी। तो थोड़ी भाई जंप वंप करते हैं। ओ तेरी की भाई, माइकल दादा की मजाक उड़ा रहा है जिमी। भाई स्पोर्टी पर्सन है माइकल दादा, बहुत ज़्यादा भाई फास्ट चलाते हैं साइकिल। अभी पता चलते हैं भाई कौन बढ़िया साइकिल राइडर है। ओ तेरी की भाई, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। सो भाई माइकल दादा बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुके हैं जिमी को, भाई खाता रहता है, मोटा हो गया है। सो भाई माइकल दादा अभी बहुत ज़्यादा फास्ट राइड करेंगे साइकिल को और हमें भाई आगे वो बहुत बड़ा बीच में वो बहुत बड़ा एक झूला है वहाँ तक जाना है। सो अभी भाई हम साइकिल को राइड करते हैं काफ़ी फास्ट। सो फाइनली भाई हम भाई लास्ट पोजीशन तक पहुंचने वाले हैं और भाई
जो जिमी है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया है और भाई हम ये रेस जीत गए हैं। सो अभी जिमी को अपना जो वो है टीवी खुद ही खरीदना होगा अपने पैसों से। वो तेरी भाई मजाक उड़ा रहे हैं माइकल दादा जिमी की। तो भाई जिमी को काफ़ी अच्छा लगा भाई यहाँ पर साइकिल राइड करने के लिए आकर। भाई हमने काफ़ी अच्छा किया जिमी को यहाँ पर बुलाकर। जिमी कह रहा है कि तुम मेरी किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करते हो तुम। जिमी के ऊपर भाई अभी भी माइकल दादा गुस्सा है क्योंकि भाई जिमी ने माइकल दादा की बोट को भाई बेचना चाहा था और भाई इसको लेकर भाई माइकल दादा अभी भी गुस्सा है। और भाई ये जो अपनी बहन की कुछ बुराई कर रहा है, बोल रहा है इसकी बहन है वो पार्टी करने के लिए एक बोट में गई है और वहाँ पर भाई अच्छे आदमी नहीं है उसके साथ और भाई वो उसके साथ काफ़ी कुछ बुरा कर सकते हैं। सो भाई हमें अब इसकी बहन को भी बताना होगा, जिमी की बहन ट्रेसी को, आई थिंक ट्रेसी नाम है उसका। सो अभी भाई चलते हैं सीधा बोट तक, वहाँ तक तैरते हुए। सो भाई वो बोट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अभी भाई हम बोट के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुके हैं, शायद हम इन सीढ़ियों की हेल्प से ऊपर चढ़ पाएंगे। सो चढ़ जाते हैं अभी ऊपर। वो भाई ऊपर गाने वाने बज रहे हैं। सो ये रही भाई वो माइकल दादा की जो बेटी है और भाई ये डांस कर रही है यहाँ पर। वो तेरी भाई माइकल दादा का आज दिन ही खराब है भाई। Dad, you're embarrassing me. Oh, these are my friends. Yeah, embarrassing कर रहे हैं भाई। अगर भाई अगर हथियार होता तो भाई अभी इसकी खोपड़ी खोल देते हम। ओ तेरी की भाई, ये इसे अपने घर पर भी लेकर आती हैं। ये इसके दोस्त हैं। अरे बड़े बकवास दोस्त हैं इसके ये। ओ तेरी की भाई, माइकल दादा तो भाई हड्डी पसली तोड़ डालेंगे इनकी। सो भाई अभी भाई इसको बैठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी भाई यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा हो गया है क्योंकि ये फिल्म स्टार है और भाई बहुत बड़े लोग हैं। तो भाई ये हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। सो अभी यहाँ पर हम इस छोटी सी भाई बाइक को लेकर निकलते हैं, वाटर बाइक को। उत्तरी की इन्होंने तो भाई गन से भूंदना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास भी बंदूक है भाई, खोपड़े पे मारेगा हेड शॉट। वो भाई काफ़ी अच्छा हेड शॉट था। सो अभी हम तेरी की भाई, माइकल दादा कह रहा है कि बस वो इंजर्ड हुआ है। सो गाइस हमने दोनों को भाई निपटा दिया है और अभी हम जा रहे हैं भाई वापस बीच के ऊपर। सो फाइनली गाइस ये रहा वो पॉइंट, अभी हमें यहीं पर भाई इसको रोकना है। तेरी की भाई जिमी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है ये। सो भाई जिमी बोल रहा है कि माइकल ने मेरा दिन खराब कर दिया है था। तो भाई माइकल ने इसका दिन भी खराब, इसने जिमी ने इसका अपनी बहन का दिन भी खराब कर दिया। वो तेरी की भाई माइकल दादा के भाई दोनों बच्चे बहुत ही नालायक हैं, माइकल दादा की बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और माइकल दादा भाई इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। सो फाइनली गाइज ये छोटा सा मिशन था जिसमें भाई हम माइकल दादा की फैमिली को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करी और भाई माइकल दादा का बॉन्ड अभी अपनी फैमिली में किसी के साथ इतना अच्छा नहीं है। और ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।